News 18 India. और आपके लिए हमने यहाँ न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों के लिए खास इंतजाम किए, बहुत ही खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं चाहती हूँ कि आप ही अपनी खूबसूरत आवाज में दर्शकों को अपना तारुफ दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आपने आवाज कई वर्षों तक सुनी है, दूरदर्शन पर सुनी है, और मैं चाहती हूँ कि आज उसी अंदाज में आप आगाज भी करें। ओवर टू यू सर। रूबी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने कहा कि दूरदर्शन पर भी सुनी है और न्यूज़ 18 इंडिया, शायद मैं छठी या सातवीं बार अब आप लोगों के साथ, मैं पहली बार आपके साथ तो वहाँ तो जो शुरुआत होती है अक्सर, अगर मैं कहूँ तो मुझे ये सौभाग्य मिलता था जब मैं आरंभ करता था कॉमेंट्री और पहला शब्द होता था वंदे मातरम, इसके साथ हमारी शुरुआत होती थी और यही ढंग रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हर साल हम कुछ नई बातें जुड़ी हुई पाते हैं गणतंत्र दिवस परेड के साथ, और इस बार प्लैटिनम गणतंत्र दिवस है, ये 75वां गणतंत्र दिवस। और हम सभी जानते हैं कि 1950 आज ही के दिन हमने जब अपना संविधान लागू किया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, वो हमारे लिए अप्रतिम कह सकते हैं कि क्षण रहे थे। और आज आपने कहा कि नारी शक्ति को हम देखेंगे, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार जो गणतंत्र दिवस परेड है उसमें लगभग 80% गतिविधियां वो नारी शक्ति से जुड़ी हुई हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अच्छा, लेकिन इस बार खास क्या क्या, मतलब आपने तो बहुत सारे गणतंत्र दिवस समारोह को कवर भी किया है, उसकी कमेंट्री भी की है, लेकिन प्रदीप जी इस बार पहली मर्तबा क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम जो हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपने अभी कुछ देर पहले हवाला दिया था वो यही है कि संगीत वाद्य यंत्रों के साथ जो आवाहन होगा वो एक अनूठा कह सकते हैं कि रहेगा, क्योंकि परेड कमांडर सबसे पहले आते हैं हमेशा, लेकिन इस बार सबसे पहले नारी शक्ति 112 जो महिलाएं हैं वो आह्वान करेंगी विभिन्न जो हमारे साज हैं उनके साथ। और अगर हम फ्लाई पास की बात करें तो वो चार फेजेस में है जी। जैसे सब जानते हैं कि सबसे पहले कुछ हेलीकॉप्टर्स निकलते हैं जो फूलों की पंखुड़ियां बिखेरते हैं, अभिवादन करते हैं जो दर्शक वहाँ मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर। और उसके बाद जब फ्रांस के मार्चिंग दस्ते और बैंड दस्ते को हम देखेंगे कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए, तब दो राफेल और एक एयरबस वो भी फ्लाई पास्ट करेगी। और बीच में हमारे आते हैं रुद्र फॉर्मेशन में हल्के हेलीकॉप्टर, जो उन्नत हेलीकॉप्टर्स हैं वो, और फिर आखिर में जो हमारा फ्लाई पास्ट होता है। बस हम यही एक दुआ करते हैं कि आज मौसम खिल जाए, क्योंकि आज सुबह से बहुत धुंध है तो सभी। और मुझे पिछला साल भी याद है प्रदीप जी, वो धुंध की वजह से हुआ ये था कि हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट और उन फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट तो सुनाई दे रही थी, लेकिन हम देख नहीं पा रहे थे खुली आंखों से, तो वो मन की आंखों से देखा जा रहा था उस शक्ति को। और इसीलिए ऊपर वाले से आज प्रार्थना है कि मौसम साफ रहे ताकि हम उन तमाम हमारे घर में बने, हमारे देश में बने उन तमाम ताकत और शक्ति का जो है मुजाहिरा जो हो रहा है वो देख सकें हम। रूपिका, मैं आपको अपना एक अनुभव बताना चाहूँगा। मैं दूरदर्शन के लिए कर रहा था कमेंट्री, हम शुरुआत कर चुके थे और अचानक कर्तव्य पथ पर इतनी धुंध हो गई कि हमें 2 या 3 मीटर आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और ऐसे में जब कैमरामैन ने जितना हो सकता था उतना फोकस कर करके हमें दिखाना शुरू किया और उसके आधार पर हमने कमेंट्री की और लगभग 1 घंटे तक यही हालात थे। उसके बाद धुंध, फिर वो अचानक से छट गई और सामान्य रूप से जो परेड है हम उसको देख पाए और कमेंट्री कर पाए और फ्लाई पास भी हुआ। तो ये कुछ ऐसे अनुभव हैं जो हमेशा याद आते हैं। अच्छा, अब और ये भी जानकारी है कि इस बार मेरे ख्याल से कुछ 1,40,00,000 के आसपास छात्र जो हैं उन्होंने अलग अलग इलाकों से हिस्सा लिया है। कुछ 1900 साड़ियाँ प्रदीप जी इस्तेमाल की गई है खूबसूरत बनाने में उस पूरे के पूरे कर्तव्य पथ को, और वो किसी एक इलाके से नहीं है आई है, पूरे देश भर से वो साड़ियाँ और वुडन फ्रेमवर्क, जो वो मैं वुड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं साड़ी की खास बात करूँगी, क्योंकि इस बार शक्ति और ये संस्कृति ये दोनों एक साथ कंधे पे कंधा मिलाते हुए चलेगी।
बिल्कुल, क्योंकि हम ये अक्सर कहते हैं कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो विभिन्न रूपों में बिखरी पड़ी है। और जैसा आपने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में जब साड़ियाँ लहराएंगी या उनसे जो हमने सजावट की है वो देखते ही बनते हैं, और कर्तव्य पथ जो कि लगभग 1 किलोमीटर लंबा है, और विजय चौक से जब ये परेड शुरू होगी वहाँ से आपको हमारी संस्कृति के विभिन्न रंग दिखने शुरू हो जाएंगे, और बहुत एक अजीब सा माहौल बन जाता है, अनुपम बन जाता है, जिसको हम कहते हैं अप्रतिम माहौल बन जाता है। और जो छत्रसाल स्टेडियम है, जिसे हम नेशनल स्टेडियम के नाम से पहले जानते थे इंडिया गेट के पास, वहाँ बहुत से दस्ते वहीं तक जाते हैं, और फिर उसके बाद जब वो लाल किले तक हमारे कुछ और दस्ते पहुँचते हैं, मार्चिंग दस्ते पहुँचते हैं, वो भी छठा। इस बार कुल कितनी झांकियां हैं? 16? जी 16 झांकियां, और उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रतीक्षा रहती है वो CPWD की जो झांकी होती है, क्योंकि उसी दिन उसे तैयार किया जाता है, यानी आज। अच्छा। जैसे हम गणतंत्र दिवस अपना मना रहे हैं, हाँ, तभी तैयार किया जाता है, मध्य रात्रि से उसे तैयार किया जाना शुरू होता है। और उसके पीछे की वजह ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि फूलों से बनती है, अगर उसे एक या दो दिन पहले बनाया जाएगा तब तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, प्रियंका और दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, प्रियंका और दीपक, देखिए आप दोनों ग्राउंड पर मौजूद है, आप ही दोनों हमको बता सकते हैं, हम तो स्टूडियो में हैं, कि ये धुंध जो है वो अब रेस्ट करने चली गई है, फॉग जी आराम करने के लिए चले गए हैं, या आज थोड़ा सता सकते हैं? पहले प्रियंका। रूपिका, मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जरा, फॉग जो है हल्का हल्का छटना जरूर शुरू हुआ है, सुबह जिस तरीके से हालात बने हुए से उससे थोड़ा बेहतर जरूर नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ व्हीकल जो नजर आ रहे हैं वो लाइट जलाकर आ रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। एक सेकंड रोक रही हो। देखिए ये इम्पोर्टेंट तस्वीर है, पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंडा फहरा रहे हैं। जो मुखिया होता है राज्य का, यानी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजा हुआ होता है, वो अपने आवास पर जरूर झंडा फहराता है, और इस वक्त आप मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को देख रहे हैं। आप ये तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है, ये देखिए झंडा फहराया जा रहा है। नीतीश बाबू यहां पर झंडा फहरा चुके हैं गणतंत्र दिवस पर, 75वें गणतंत्र दिवस पर तिरंगा हमारा आसमान में लहराता हुआ इस वक्त आपको नजर आ रहा है, और आज हर घर में, हर गली में, हर दफ्तर में, हर राज्य में आपको यही धुन मिलेगी, जन गण मन, वंदे मातरम, जय हिंद। प्रियंका, माफी चाहती हूँ, बीच में रोक किया था, तस्वीरें आ गई थी, लेकिन आप ये कह रही धुन छट गई है। मैं ये कह रही हूँ कि कोशिश शायद धुंध भी कर रही है कि वो छटे। मैंने इतनी देर में IMD से ये जानकारी ली है, जिसमें पता चला है कि 8:30 बजे तक 300 मीटर की विजिबिलिटी है सफदरजंग एयरपोर्ट पे। हाँ। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक 300 मीटर की ही विजिबिलिटी है, लेकिन जिन फॉर्मेशंस का हमें सबसे ज्यादा इंतजार रहता है रूपिका, हाँ, जब हम आसमान की तरफ देखना चाहते हैं, उस पर क्लैरिटी बन पाएगी कि नहीं, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। सूरज निकलने की कोशिश बहुत तेजी से कर रहा है, लेकिन धुंध ने घेरे रखा है। तो फिलहाल सिचुएशन ये है कि सुबह से तो हालात बेहतर है, लेकिन वो फॉर्मेशन जिसका हमने, जो हमें पिछली बार बिल्कुल भी नजर नहीं आ पाई थी, केवल आवाज सुनाई दे रही थी, वो इस बार भी दिखेगी कि नहीं, वो शायद थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और यही कारण है कि परेड का टाइम भी थोड़ा शिफ्ट शायद किया गया है। कोशिश यही है कि शायद 1 घंटे में फिर से धूप आ जाए, जैसे कि अक्सर इन दिनों आ रही है। हाँ। धूप आएगी तो शायद इस बार तेजस भी पहली बार फॉर्मेशन करता हुआ नजर आएगा, वो भी शायद हम अपनी आंखों से देख पाए। यही तो हमें चाहिए प्रियंका, और ये शायद नहीं चाहिए। दीपक भी हमारे साथ है। दीपक, ये शायद हमको नहीं चाहिए, ये हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, और खुशनुमा माहौल में सब कुछ हो जाए, ये सबकी उम्मीदें इसी पर टिकी हुई है। और यहाँ पर जिस तरह से सुबह से फॉग था और रात भर, ये जवानों को आप देख सकते हैं अलर्ट पोजीशन पर, यहाँ पर सभी लोग लगे हुए, क्योंकि जो गणतंत्र दिवस है उसको सुरक्षित माहौल में बिल्कुल कर दिया जाए और संपन्न किया जाए, और इसको लेकर यहाँ पर जो अलर्ट है वो अलर्टनेस यहाँ पर दिल्ली पुलिस की दिखाई दे रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी। और आप ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी पुख्ता है। अब मैं जल्दी जल्दी 30-30 सेकंड में आप दोनों से जानना चाहती हूँ। देखिए, आप दोनों ग्राउंड पर मौजूद है ना, सबसे पहले दीपक आपसी से शुरू कर रही हूँ, अपनी आंखों से आप देख क्या पा रहे हैं?
वो एक एहसास गणतंत्र दिवस का, लोगों की चहल पहल, गाड़ियों की आवाजाही, लोगों के चेहरे पर वो 2 इंच मुस्कान, वो सब देख पा रहे हैं आप? एक्साइटमेंट, यहाँ पर खुशनुमा माहौल है रूबिका, और लोगों की तादाद जो है यहाँ पर लगातार, लोग देखिए आप पीछे की तरफ दिखाऊंगा, लोग लगातार आते जा रहे हैं, क्योंकि जो देशभक्ति के गाने यहाँ पर पूरे परेड ट्रैक पर चल रहे हैं, एक अलग ही जोश यहाँ पर लोगों में दिखाई देता है। बच्चे बूढ़े सभी यहाँ पर जुटते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ देर बाद परेड यहाँ से निकलेगी। उनके चेहरे पर खासा सुकून यहाँ पर नजर आ रहा है, एक उत्साह नजर आ रहा है कि हम यहाँ पर आज उस परेड को देख रहे हैं गणतंत्र दिवस की, जिसके लिए एक साल का लंबा इंतजार होता है, और उस परेड को संपन्न करने के लिए हर कोई इस वक्त जुटा हुआ है, चाहे वो सुरक्षाकर्मी हो, लोग हो, या फिर हम सभी कोशिश ये कर रहे हैं कि इस पूरे रूट पर हर वो चीज़ लोगों तक पहुंचाएं जो वो न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से देखना चाहते हैं। और सच्चाई ये है कि पिछले साल, बीते साल प्रियंका, हमने इतना कुछ अपनाया है कि वो जो सीना फख्र से चौड़ा होना चाहिए ना, वो उसकी अनुभूति ही अलग है। चाहे सूरज के पास हमारा पहुंच जाना हो, चाहे मार्स पर चले जाना हो, चाहे चंद्रयान का जिक्र हो, चाहे अब जो 21 तोपों की सलामी है, वो तो पिछले बार से ही शुरू हो गया था, प्रदीप जी भी ये बात जानते हैं, लेकिन आप सोचिए ना, मतलब जब आप सुनेंगे 21 तोपों की सलामी, और आपके मन में ये होगा कि ये तो भारत निर्मित 105 LFG की गन की तरफ से आ रही आवाज़ है, वो एहसास एक अलग ही होता है, कह रहे ये तो अपना है। बिल्कुल रुबिका, और देखिए मेरे लिए तो, मैं कहूंगी क्योंकि मैं एक फौजी परिवार से बिलोंग करती हूँ, आज का दिन हमारे लिए तो वैसे ही एक त्योहार जैसा होता है। मुझे याद नहीं कि बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी कोई परेड ना देखी, और अभी भी मुझे इंतजार है, परेड शुरू होगी तो मैं उसे अभी भी देखूंगी। लेकिन हम जब सड़कों की बात कर रहे हैं ना रुबिका, तो बाहर केवल वही लोग निकल रहे हैं या तो जिनको परेड में जाना है या जिनकी ड्यूटीज है। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि मौसम भी इस तरीके का बना हुआ है कि लोग जो है अपने घर में तैयारी करके बैठे हैं कि जैसे ही परेड शुरू होगी अपने घर से ही उसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि एक तो बाहर धुंध है, ठंड भी है, और बेवजह मुझे लगता है कि 12-1 बजे से पहले तो आज लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप भी कह रही हैं उपलब्धियां इतनी है रुबिका, और इस बार कर्तव्य पथ पर भी जो नई नई चीजें दिखने वाली हैं, एक मल्टी स्पेशलिटी व्हीकल भी आने वाला है, SMV उसको कहा जाता है, स्पेशलिस्ट मूविकल व्हीकल है, वो जो है हर तरीके की टेरेन में चल सकता है, दलदल में, रेत में, बर्फ में, और पूरी तरीके से भारत में निर्मित है। ऐसी कई चीजें आने वाली है जो हम कर्तव्य पथ पर पहली बार देखेंगे, लेकिन खासियत ये कि वो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत सबकी मिसाल रहने वाला है। तो मुझे लगता है हर बार की तरह इस बार कई नई चीजें देखने को मिलेंगी, जिसको लेकर वो तमाम लोग जो वैसे ही रिपब्लिक डे के काफी ज्यादा शौकीन हैं, मेरी तरह वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहने ही वाले हैं। सड़कों पर भी लोग बेवजह नहीं निकल रहे, क्योंकि मुझे लगता है हर कोई चाहता है आराम से घर में अपने मजे से वो रिपब्लिक डे की इस परेड को देखें, और देखें कि इस बदलते भारत में लोकतंत्र की मातृत्वता कहा गया है, विकसित भारत और नारी शक्ति, ये तीनों चीजें जो खास तौर पर इस बार परेड में दिखने वाली है, तो लोगों के साथ साथ मुझे तो बहुत ज्यादा इंतजार है। एब्सोल्युटली प्रियंका, मजा आ गया आपसे बात करके, दीपक से बात करके, और स्पेशली ये जानकर के भाई आप तो फौजी परिवार से ताल्लुक रखती है, तो सुबह सवेरे जो है आप भी वहाँ तन कर पहुँच गई होंगी, और मुझे लगता है ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, ये वाइब है, ये वो धुंध को भी छटने के लिए पूरा मुझे लगता है फोर्स करेगी, प्रेशराइज करेगी। आप दोनों मेरे साथ लगातार बने रहिएगा, प्रदीप जी भी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। इनफैक्ट अगर आपके मन में कोई प्रदीप जी को लेकर सवाल है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो जो एक तो बिग बॉस की आवाज़ सबको ध्यान रहती है, और दूसरी वो आवाज़ जो गणतंत्र दिवस के मौके पर समारोह में पीछे से आवाज़ आ रही होती है, हिंदी में, अंग्रेजी में, और बहुत अद्भुत लगती है। अच्छा, इसके लिए प्रदीप जी आप लोग तैयारी करते हैं, रिहर्सल होता है? बिल्कुल, रिहर्सल तो हमेशा होती ही है। हाँ। क्योंकि इसमें क्या होता है, जितनी रिहर्सल्स होती हैं कई बार कुछ बदलाव भी होते हैं, वो चाहे जो नेतृत्व कर रहे हैं उसमें बदलाव हो, या कुछ सीक्वेंस में बहुत कम बदलाव होता है, लेकिन छोटे मोटे बदलाव होते हैं, तो उनका ध्यान रखना होता है। जब परेड चल रही होती है, हमें 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखना होता है। अच्छा, वेयर इज द प्लेसमेंट, आप लोग कहाँ प्लेस होते हैं? बिकॉज एक पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट, मतलब भाई विजय चौक से लेकर वहाँ लाल किले तक मामला जाता है जी, पूरी परेड जाती है, आप लोगों का प्लेसमेंट कहाँ होता है? देखिए, जो मेन कमेंट्री चल रही होती है, जहाँ सलामी मंच है, जहाँ माननीय राष्ट्रपति जी बैठते हैं, उसकी दाहिनी तरफ दूरदर्शन और जो डिफेंस मिनिस्ट्री की अपनी कमेंट्री चलती है, मैंने वहाँ से भी की हुई है, तो वहाँ वो बूथ बने होते हैं, हम उसी पर होते हैं, और सलामी मंच की बाईं ओर आकाशवाणी का बूथ रहता है और एयरफोर्स का कंट्रोल रूम रहता है।